मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद कुंभ में। कुंभ का मेला जब चलता है तो महाराज जी का भंडारा चलता है। वहां पर आपके जो भक्त हैं वो उसी पर क्षेत्र में रुकते हैं। आपको पता है फोर चर्च लैन इलाहाबाद दादा के घर पर रुकते हैं। महाराज जी के पास एक विदेशी भक्त आया हुआ है और उससे महाराज जी ने कहा कि तुम अकेले घूमने मत जाना, कोई कारण रहा होगा। महाराज जी जहां जब कुंभ क्षेत्र में जाते वो भक्त उनके साथ रहता और महाराज जी का कंबल पकड़े रहता। महाराज जी कंबल उड़ते थे तो पीछे से कंबल पकड़ रहता था। कारण क्या था कि कहीं इस भीड़ भाड़ में खो न जाए। एक बार रात का प्रहर था और महाराज जी चल रहे थे, पीछे पीछे वो विदेशी भक्त चल रहा था। भीड़ बहुत थी, भीड़ के बीच में एक व्यक्ति उनके पास आया और महाराज जी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने कंधे पर हाथ रखा वैसे ही महाराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और एक दूसरे ने लिलरी लिलरी कहा। विदेशी भक्त के अनुभव का वाक्य है ये। ये ऐसा प्रसंग है जो विदेशी भक्त ने अपनी गाथा में अपनी कहानी में लिखा है। तो अब जैसे ही उन्होंने हाथ रखा कंधे पे, उस व्यक्ति ने जो दूसरा आया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा है कि संपन्न व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही लिलरी लिलरी कहा एक दूसरे ने और वो नाचने लगे। दोनों लोग नाच रहे हैं, इसी बीच विदेशी भक्त ने ये सोचा कि महाराज जी से तो बहुत देवता है वो मिलने आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई देवता हो। अब ये दोनों लोग नाच रहे हैं, कंबल उनके हाथ से छूट गया है लेकिन पास ही खड़ा हुआ है। भीड़ जाती आती है और ऐसे दृश्य कुंभ की मेले में बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा उसे नोटिस में नहीं ले रहा। ये लगभग 2 मिनट चलता और इस बीच उस विदेशी भक्त के मन में आता है कि लाओ इनके चरण छू लें, पता नहीं विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, गणेश भगवान है, माता है, कौन है, किस रूप में आए हैं। हो सकता है उनके दिमाग में यही है कि देवता है और हम इनके पैर छू लें। और जब जब वो अपना हाथ बढ़ाते हैं झुकते हैं उनकी जो नृत्य शैली है वो आगे आ जाती है पीछे चली जाती है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाते। 2 मिनट के बाद जैसे कोई तारा होता है वैसे सूक्ष्म प्रकाश करता होगा वो जो व्यक्ति मिला था वो एकदम गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। आप वैसे ही चलने लगते हैं, विदेशी भक्त कंबल फिर पकड़ लेता है और कंबल पकड़ के रोक के वो अपनी भाषा में पूछता है महाराज जी से, कौन थे ये, महाराज जी बता दो हमको, तूने दर्शन कर लिए। कि उन्होंने कहा दर्शन तो हमने कर लिए लेकिन हम इनके पैर छूना चाहते थे, पैर नहीं छू पाए। महाराज जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं दर्शन हो गए बस यही बहुत है, चल भाई आगे चलते हैं। और ये कहते कहते महाराज जी आगे आगे चलने लगते हैं, वो कंबल पकड़े हुए पीछे पीछे चलने लगता है। ऐसा भाग्यशाली वो विदेशी व्यक्ति, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के और पुण्य संचय हुए होंगे, उन संचयों के फलस्वरूप देव दर्शन महाराज जी के साथ हुए। कई गाथाएं हैं जिसमें महाराज जी के पास देवता आए हैं साक्षात, सुनाई भी हैं और ये भी एक देव दर्शन की ही गाथा है। और महाराज जी से जो मिलने आए देवता उनमें एक बनारस का प्रसंग मैंने सुनाया था,
शंकर जी थे, है ना। यहाँ पर तो वो कई देवों से वो मिलते जुलते रहते थे। तो आज आप भी महाराज जी को प्रणाम करें और उनके दर्शन की अभिलाषा ये करें कि किसी देवता के साथ उनके दर्शन हो। आज चलते हैं, राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।